जेब्रा मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाने वाला घोड़ा प्रजाति का पशु है। इसको ऊंचाई 4 से 6 फीट तक होता है, जिसका वजन 350 केजी तक हो सकता है और इसका औसत वायु 25 वर्ष होती है। रात्रि में देख सकता है तथा तो बड़े बदमाश भी होता है। यार देखिए कितना बदमाश है, हम लोग आए हैं वो उधर खा रहा है, बताइए। देखिए पिछवाड़ा नजर आ रहा है, जेब्रा का केवल पिछवाड़ा नजर आ रहा है। आए मित्रों, अभी दरियाई घोड़ा को मिलवाते हैं। कहाँ गया भाई दरियाई? तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए देखिए यार, देखो घर में, घर में देखो, अरे देखो घर में, देखो घर में, साला ये खाली गेंडा गेंडा हो गया यार। जानवर में वो इसी का भरा 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 शरीर लगा, सबको पोलियो मार रहा है। अरे किसी का तो भरा है ना जी। यार अंदर में रेस्टोरेंट भी है पटना जू के अंदर में, मतलब आप आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। अंदर में पटना जू का काला काम देखिए, बहुत सारे लोग हैं, पहले घूमने आए हैं तो पहले घूमेंगे दोस्तों। यही लोग, वाह देखो बच्चा लोग घूमने आए हैं, सब चिल्लर लोग हैं। दोस्तों एक चीज तो बहुत अच्छा हमको लगा कि पटना में मुफ्त वाईफाई है, पटना जू में फ्री वाई। तो अब जिराफ को दिखाते हैं। जिराफ में देखिए मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, जिसका इसका नर 5 वर्ष और मादा 4 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इसकी गर्भावस्था काल 15 माह है। नवजात का औसत वजन 60 केजी का होता है, ऊंचाई 6 फीट होता है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दौड़ सकता है, तैर नहीं सकता है। इसकी औसत वायु 30 वर्ष है। अब दिखाते हैं जिसके बारे में बताएं। देखो सफेद मोर है, वाइट। दोस्तों अभी हम लोग निशाचर गृह में आए हैं ब्लू वाले में, अभी देखते हैं अंदर, अभी जाएंगे। आ गए हैं और अभी यहाँ का अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। वाले रूम में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए फुरसुपीन, कहाँ है मैं, हाँ वो देखो वहाँ। साहिल साहिल है, इंडियन साहिल। देखिए साहिल यहाँ पे देखिए भोजन दिया जाता है। जयकाल तो यहाँ दिख नहीं रहा यार। सीबिट कैट
बहादुर है कहाँ यार, उधर है यार बस कहीं है। हम लोग बाहर निकल गए। अगर फोटो खींच चुके हैं सरकार, चंगा आदर है। हेलो हेलो, देखे मेरे पीछे भालू है। अरे अभी पता नहीं किस बात के लिए गुस्सा किए हुए है, इधर देख ही नहीं रहा यार, मजा नहीं आ रहा। देख रहे पूरा पब्लिक है, टोटल इसका इंतजार कर रहा है, फिर भी मतलब नहीं देख रहा है। इसमें अभी बात है हमारे भाई साहब है, ये भी देखने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, भालू दिख नहीं रहा है। पीछे घुमा करके मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है, अजीब बात है। दोस्तों देखिए, स्नैक्स ऑफ बिहार संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में अभी ले चलते हैं आप सभी को। देखिए एंट्री गेट है, देखिए जस्ट जा रहे हैं। देखिए यहाँ पब्लिक का तो खूब जा, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सांप घर है, सांप घर में भी जस्ट एंट्री मारूंगा। इसी पर मेरे है डिजाइन, देखते हैं। सांप घर में देखिए अजगर से अभी मिलवाते हैं भाई। रामायण के बारे में थोड़ा दो शब्द देख लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सांपों का विषहीन सांप है, जो शुष्क स्थानों पर पीले रंग का जबकि गीले स्थानों पर इसका रंग काला हो जाता है। इसका शरीर लंबा तथा पूंछ पतला होता है, हाथ बड़े और गोले गोल होते हैं, और यह सांप बहुत तैयार मात्र में बहुत मात्र में अरे वाह बच्चा पार्टी, तुम लोग दर्शन दे दिया, वाह वेरी गुड। सैंड गोवा पाकिस्तानी भारत के दो महा सांप का दर्शन करवाते हैं। इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, वाइट पर सरल प्रजाति के विषैला सांप है, प्रतिरूपी है जींस का विषैला दुनिया के पुराने वाइपर एक सदस्य प्रजाति की वीर शैली भारतीय उप महाद्वीप का विश्वर सर्प है। भारत में Thank you.
पाकिस्तान इंडियन रॉक वैसक अजगर का रंग उजला अथवा पीला होता है। इसकी औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 केजी तक होता है। भाई यह छोटे हिरण को निगल सकता है। जंगल अजगर एक वर्ष में मात्र 5 बार भोजन करता है। चलिए इसमें दिखाते हैं, इसमें चलिए कुछ नहीं दोस्तों। फाइनली हम लोगों ने सर्प गृह बहुत अच्छा तरीका से घूम लिया, देख सकते हैं क्या देखते हैं। अभी तक मैं जो जो देखा है थोड़ी चलते हैं सर्पगृह झील तो बने रहे इस प्रकार से। देखिए फाइनली निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं बाहर का मेन क्या है। बाहर का जिस समय हम लोग आए थे उस समय और अभी बहुत अंतर मालूम चलेगा। हम लोग जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, क्या हाल है गाड़ी का। चला यहाँ पार्किंग का बहुत चार्जिंग ठीक है, तो बने रहे फ्रेंड्स। प्रकार से फाइनली पार्किंग में आ गए हैं और अपना गाड़ी लेकर के अभी जस्ट निकलेंगे।